एडिटर जुड़े हुए हैं पानीपत से, देवेंद्र कतूरी, जानकारी वही देंगे। देवेंद्र जी, काफी उत्साह हम देख रहे हैं, जिस जिस पोलिंग स्टेशन पर हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं, नजारा दिखा रहे हैं, तो उससे ये पता चल रहा है कि लोगों में काफी उत्साह है। आप जहां हैं वहां पर कितना उत्साह? पानीपत में भी लोगों में बहुत उत्साह है। चार सुबह में हमने देखा, वोटिंग शुरू होने से पहले ही लोगों की भीड़ आने लगी थी, परिवार पूरा करें जैसा नारा भी दिया जा रहा है, पहले मतदान फिर जलपान। पानीपत ग्रामीण का ये क्षेत्र है, सरकारी स्कूल है जहां मतदान केंद्र बना हुआ है। मेरे साथ एक दंपति हैं जो वोट डाल कर आए हैं। आप इधर हो, वोट डाल के आए हैं, हाँ जी, ये फर्ज था या गर्मी से बचने की कोशिश थी? राष्ट्र के हित में वोट डाल कर आए हम, राष्ट्र के हित में वोट डाल कर आए। महिलाओं को सरकार बहुत सशक्तिकरण कर रही है, महिलाओं का, महिला ज्यादा वोट डाली है पहले से, अब जागरूकता आई है। आप वोट डाल के, आपने नाम नहीं बताना किसको वोट डाला है, लेकिन ये कि आपके मुद्दा, आपके दिमाग में क्या बात थी, कौन सा काबिल उम्मीदवार हो जिसको हम वोट डालें? बोलो बोलो, राष्ट्र हित में वोट डालें। वोट डाला है अब आपके पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त सब ये फर्ज निभा रहे हैं? हाँ, सब आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, लाइन सब आ रहे हैं। शुक्रिया कंचन, मुंह अंदर भी बहुत लगी हुई है, हालांकि इस बार चुनाव आयोग की सख्ती है, 100 मीटर दूर तक मीडिया को अलाउड किया है। ये एक नेता जी भी है, वोटर भी है, पानीपत ग्रामीण के चर्चित व्यक्ति हैं, विजय जैन। जैन साहब, पार्टी का नाम नहीं लेना, ट्रांसपेरेंसी रहे, आज ये माहौल कैसा देख रहे हैं वोटर्स में? माहौल बहुत अच्छा है, सबसे बढ़िया बात है वोटर जागरूक हुआ है। आप किसी भी बूथ पे जाइए, भीड़ लगी पड़ी है, खासकर महिलाओं में उत्साह है वोट डालने का। जिस भी, मैं लगभग अब तक 15 बूथ पे जा चुका हूँ, सब पे देखा, महिलाओं में, बच्चों में, सब में उत्साह है वोट डालने का। मनोहर लाल जी करनाल लोकसभा से लड़ रहे हैं, अभी उनका एक टीवी में चल भी रहा था कि मैं खाली करनाल से लड़ा हूँ लेकिन बाकी 9 लोकसभा क्षेत्रों में भी मैं जा रहा हूँ। आज पूरा दिन वो भी भागदौड़ कर रहे हैं, लगता है सरकार के कामों को लेकर थोड़ा सा आप वो कर रहे हैं कि डिजर्व करते हैं वोट? नहीं, बिल्कुल, मैंने भी उनका टीवी पे देखा, उन्होंने 7 बजे का टाइम दिया था वोट डालने के लिए, वो 6:55 पे भी आ गए थे, तो वो नो की नो कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाए। माननीय मनोहर लाल जी के प्रति जो जनता का प्यार है, जो उन्होंने हरियाणा के लिए बिना खर्ची, बिना जो नौकरियां दी है, सुशासन लेके आया है, या हर घर नल से जल दिया है, अनेकों योजनाएं, आयुष्मान कार्ड है, चिरायु कार्ड है। शुक्रिया, शुक्रिया। तो लोगों में उत्साह देख रहे हैं, चाहे पॉलिटिकल लोग हैं, चाहे वोटर्स हैं, सभी अपने अपने तौर पर इस लोकतंत्र के यज्ञ में अपनी आहुति डाले। और कोशिश ये है कि चूंकि गर्मी का मौसम है, वीकेंड है, कंचन शनि इतवार की छुट्टी है, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि अपना वोट का फर्ज पूरा करके कहीं किसी को दिल्ली जाना है, बाहर जाना है, रिश्तेदारी में जाना है, दोस्त के पास जाना है, या आ रहा, उन लोगों के लिए पहला काम वोट डालना है और उसके बाद शनि इतवार वीकेंड का आनंद लेना है। कंचन सर, एक और चीज है, पहले हम देखते थे कि वोटिंग के लिए लोग इतने उत्साहित नहीं होते थे, लोग कहते थे कि हम वोट डालने क्यों जाएं, घर में ही रहें तो बेहतर है, क्या हो जाएगा, सरकार हमारे लिए क्या कर रही, बहुत सारी बातें होती थी। लेकिन अब हम तस्वीर बदलती हुई देख रहे हैं हर दिन, और आप भी जो तस्वीर दिखा रहे हैं उससे भी पता चल रहा है पोलिंग स्टेशन की क्या स्थिति है। लेकिन जो महिलाओं में जागरूकता इस बार बताई जा रही है, अब सवाल यह है कि महिलाओं को आखिर चाहिए क्या? अगर बुजुर्ग महिला किसी पोलिंग स्टेशन पर पहुंच रही है तो बुजुर्ग महिला इस वक्त में क्या चाहती है, ये बड़ा सवाल है। जो महिलाएं हैं वो क्या चाहती हैं, किस बेस पर वो वोट डालना चाहती हैं, किसको वो लाना चाहती हैं, किस तरह का बदलाव वो चाहती हैं, ये बड़ा सवाल इस समय में हो जाता है। देखिए कंचन, किसी महिला की बात करें, महिला वोटर की, तो महिला ये चाहती है कि उसके परिवार के जो बच्चे हैं उसको अच्छी शिक्षा मिले, अगर बच्चे पढ़ लिखे अच्छी जिंदगी जिए, हर महिला की ये इच्छा होती है। जहां तक बुजुर्ग महिलाओं का ही बात की आपने, बुजुर्ग महिलाएं ये सोचती है कि एक अच्छे को लाए, कोई भी सरकार आए, कोई भी कैंडिडेट जीते, लेकिन काबिल हो, वो रिजल्ट दे सके, ताकि उनका परिवार हो, अच्छा रोजगार हो, बाजार सुविधाएं हो, मतलब जो तमाम वोटर्स से उम्मीद करते हैं कि अच्छी सरकार हो, अच्छा कैंडिडेट हो जो उनकी सुनवाई करे। अभी तो हमने कई बार देखा छोटी छोटी समस्याओं को, सड़क, सीवर और प्रॉपर्टी आईडी वाला मसला है, छोटी छोटी काम है लेकिन लोगों को परेशानियां बहुत झेलनी पड़ती हैं। तो लोग ये चाहते हैं कि छोटे छोटे कामों के लिए जो स्थानीय स्तर की सुविधाएं हैं, जो उनका सम्मानजनक जिंदगी है, उस क्राइटेरिया पे, उस पैमाने पे उनका उम्मीदवार, उनकी सरकार खरा उतरे। मेरे को लगता है ये भी लोगों के जहन में है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कंचन,
सुबह सुबह जिस तरीके से मैंने 6:30 बजे SD कॉलेज में थे, हम लोग 6:30 बजे आना शुरू हो गए, बुजुर्ग थे। मैंने उनसे पूछा, मेरे को कहने लगे जी वोट डालने आए हैं। मैंने कहा 7 बजे है, लेकिन उनको 7 बजे का इंतजार नहीं था। वोट डालने वालों में मेरा भी हो तो लोगों में उत्साह तो है। उत्साह पॉजिटिव भी हो सकता है, उत्साह नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन वोट का जो अधिकार है उस वोट के अधिकार का पूरी तरह से इस्तेमाल करना चाहता है हर वोटर। वोटर्स में जागरूकता बहुत आई है। महिलाओं की बात थी, हमने देखा 2014 से पहले महिलाएं कम वोट डालने के लिए घरों से निकलती थी, पुरुष लोग ज्यादा वोट डालते थे, ग्रामीण डालते थे, लेकिन 2014 के बाद महिलाओं में अपने राजनीतिक अधिकारों को लेके, अपने वोट के अधिकार को लेके जागरूकता आई है, ये अच्छी बात है। जागरूकता होनी भी बहुत जरूरी है।